नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित मॉक टेस्ट के ऊपर। आज हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे और उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे भारत की जो महत्वपूर्ण नदियों वाला सीरीज़ है वो कम्प्लीट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। हिमालय पार की नदियाँ हैं, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियाँ हिमालय की पार की हैं। तो दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज। देखिए, ये है हिमालय का बेल्ट, ठीक है। अब हिमालय को पार करके आने वाली नदियाँ, देखिए ब्रह्मपुत्रा यहाँ तिब्बत के पठार से आती है दोस्तों, और इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर असम में दोस्तों इसी नदी को हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, और यही जब बांग्लादेश में आती है तो इसको बोल देते हैं हम जमुना, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों हम ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में? जमुना। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसको सांगपो कहाँ पर बोलते हैं दोस्तों? इसको सांगपो बोलते हैं हम तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम सिंधु के ऊपर। सिंधु यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है और फिर ये लद्दाख में देमचुक नामक स्थान से प्रवेश करती है। पाकिस्तान में दोस्तों चिल्लास नामक स्थान से एंट्री लेती है और पाकिस्तान में बहते हुए और ये आके अरब सागर में गिर जाती है। ये है आपका अरब सागर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों किसकी? सतलज की। तो सतलज नदी आपको यहाँ पे राकसताल से निकलेगी, ये भी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। फिर ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करेगी। फिर ये आएगी पंजाब में और पंजाब से दोस्तों ये चिनाब में मिल के आके मिल जाती है सिंधु में, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों नदियाँ हिमालय को काट कर बहती हैं और हिमालय के पार से आती हैं, इसलिए इनको हिमालय पार की नदियाँ कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे पे, इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम का अर्थ है दोस्तों बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पूछिए कैसे? देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा की, जो यहाँ पे हमने अभी पहले प्रश्न में देखा था, इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में थोड़ा सा, और फिर पश्चिम बंगाल में होके बहते बहते आके किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा से, ठीक है। तो गंगा की लंबाई दोस्तों कितनी है? गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना दोस्तों? लगभग 2525 किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करें हम गोदावरी का, तो गोदावरी को भारत में दक्षिण की गंगा बोलते हैं और बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। ये महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में जाती है और आंध्र प्रदेश होके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसकी लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें नर्मदा का, तो नर्मदा दोस्तों यहाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहते हुए हल्का सा महाराष्ट्र होते हुए गुजरात से आके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि ये पश्चिम की ओर बहती है, और इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इस तरह से आपका क्रम डिसाइड हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर तीसरे पे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर चार पे। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से गंगा और ब्रह्मपुत्रा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्रा में ही सबसे अधिक भारत में क्या है, जो नाव हैं वो चलती हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर पाँच देखिए। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहित। तो लोहित अगर पूछे किस प्रदेश में बहती है दोस्तों, तो ये निकलती है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से ये निकलती है, और फिर ये दोस्तों आके कहाँ पे? असम में ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है, असम के सदिया नामक स्थान पर, ठीक है। और यहीं पे देखिए लोहित नदी पे जो ब्रिज है, ठीक है, सबसे लंबा जो सड़क सेतु है उसका नाम है ढोला सदिया, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? ढोला सदिया, और उसी का नाम बदल के अब हो गया है भूपेंद्र हजारिका। क्या नाम हो गया है? याद रखेंगे आप, भूपेंद्र हजारिका, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे तो प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगर इसकी लंबाई पूछ ले दोस्तों, तो 9.15 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ये भी आप याद रखेंगे। कितना है दोस्तों? 9.15 किलोमीटर, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर छः देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है?
तो दोस्तों इसमें दिए गए ऑप्शन में से अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो हमने देखा ये तिब्बत के पठार में कहाँ से निकलती है, चेम युंग दुंग ग्लेशियर से। चेम युंग दुंग, देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम है, चेम युंग दुंग ग्लेशियर, ठीक है, वहाँ से निकलती है, कहाँ से, तिब्बत के पठार से, इसलिए इसका उद्गम भारत से बाहर है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 पे, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में उसी को हम किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से, और इस बात पे हम जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 पे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्रा तीनों निकलती हैं, क्यों, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहीं चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, यहीं पास में से इसी में से निकलती है कौन सी, बताइए सिंधु, और यहीं राकस्ताल से निकलती है कौन, सतलज, ठीक है, तो तीनों पास में हुई ना, तो दिक्कत क्या है इसमें, सभी का सभी करेक्ट है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 पे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे बनाती है माजुली द्वीप को, तो दोस्तों असम में, ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है, एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली, और इसको विश्व में सबसे पहला स्थान मिला है, और इसी को असम में क्या डिक्लेयर कर दिया गया, एक डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए अगर आपको आपके सर की मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है, तो देखिए गोदावरी को हमने देखा ये महाराष्ट्र से यहाँ से नासिक से निकलती है, और ये तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश से होके कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम से पूर्व, तो ये तो होगी नहीं, इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद कावेरी, कावेरी कहाँ से निकलती है दोस्तों, कर्नाटक में एक पर्वत है ब्रह्मगिरी, वहाँ से निकलती है, और फिर ये तमिलनाडु होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये भी पश्चिम से क्या हो गई, बताइए दक्षिण पूर्व हो गई, तो ये भी नहीं होगी, इसको भी कैंसिल कीजिए। बात है कृष्णा की, तो दोस्तों कृष्णा यहाँ महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलती है, हल्का कर्नाटक में जाती है, फिर थोड़ा सा तेलंगाना से बाउंड्री बनाते हुए आंध्र प्रदेश से होके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये भी नहीं है। बात आई बेतवा की, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बेतवा निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये ललितपुर से होते हुए आके यमुना में मिलती है, तो इसका डायरेक्शन देखिए किधर से किधर है, साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अब बात करेंगे हम, देखिए बताने का उद्देश्य है कि आपके दिमाग में ना रटने जैसी स्थिति ना हो, आप फोटो से समझें और उनकी स्थितियां देखें, और ये भी देखते रहें कि कौन सी नदी किस किस प्रदेश से होकर बह रही है, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 क्या है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी को, ठीक है, और कोसी को ही पहले अरुण नाम के, ठीक है, अरुण नाम की उपाधि मिली थी, ये भी आप याद रखेंगे, कोसी को पहले अरुण नाम से जानते थे। अब यहीं पे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि असम का शोक किस नदी को कहते हैं, तो असम में हमने देखा कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा दोस्तों कल को यहाँ पे बह रही है, परसों को पता चले यहाँ पे बह रही है, और इसलिए बाढ़ लाती रहती है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को असम का शोक कहते हैं। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की शोक दोस्तों, तो यहाँ पे एक नदी है दामोदर, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, जो निकलती है झारखंड से, और ये वेस्ट बंगाल में जाके परेशान करती है, इसलिए इसको दामोदर को क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल का शोक। और यहीं पर उड़ीसा है, उड़ीसा में दोस्तों महानदी है, ठीक है, और महानदी वहाँ पर बाढ़ लाती रहती है, इसलिए महानदी को हम क्या बोलते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं, ठीक है, तो इन सभी शोकों को आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12 पे, ध्यान से देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। उम्मीद करूंगा इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है, तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस क्वेश्चन का जवाब जाके कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बात कर लिया है। चलिए बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 13 के ऊपर, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं।
तो दोस्तों अमरकंटक का पठार आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाउंड्री पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैंने स्केच किया है। इसको प्रॉपर स्केच कर लेते हैं, ठीक है। ये है अमरकंटक की पहाड़ी और यहाँ से निकलती हैं दो नदियाँ, ठीक है। एक है नर्मदा जो इस दिशा में बहती है, जो हमने देख लिया था। ये कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा, ठीक है। और यहीं पर अगर बात करें इसके किधर से उत्तर पश्चिमी छोर से निकलती है सोन, और ये जाती है छत्तीसगढ़, सोनभद्र, फिर झारखंड, फिर ये बिहार में आके मिल जाती है गंगा से, ठीक है। तो याद रखेंगे ये है आपकी सोन नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सोन नदी, ठीक है। तो ये दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? अमरकंटक पठार से और अमरकंटक पहाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, तो अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 14 है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ये हो गई तवा, उसके बाद जैसे ये हो गया तवा, ठीक है, उसके बाद ये छोटा तवा, ठीक है। तो छोटी तवा भी इसी की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की, ठीक है। तवा को चढ़ाने के लिए गैस पे हम बर्नर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बर्नर भी ऐसा ही कुछ होता है, ऐसे जालनुमा, ठीक है, जिसमें से लपटे आग की निकलती हैं गैस चूल्हे में से, ठीक है। तो बर्नर भी नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग क्या खाते हैं? हिरन खाते हैं, ठीक है। तो हिरन भी नर्मदा की सहायक नदी है, और शेर भी क्या है? नर्मदा की सहायक नदी है। हिरन, शेर, ठीक है, शक्कर, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। हाथी, ठीक है, उरंग, ये नर्मदा की सभी, ठीक है, सहायक नदियां हैं। तो उरंग पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। शेर भी पूछा हुआ है, हिरन भी, बर्नर भी, छोटी तवा भी, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो इनको याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? अगर आप ध्यान से लेक्चर में हैं तो आपसे ये प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी को हम प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानते थे। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप ध्यान से सेशन देख रहे हैं तो आप बताइए, हेड स्पीच नदी, जो ग्रीक शब्द है एक हेड स्पीच, यह किस नदी को ग्रीक वाले बोलते थे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं आपको एक हिंट देता हूँ, वह शेषनाग झील से निकलती थी और वेरीनाग झरना से निकलती थी, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में उम्मीद करता हूँ जो जुझारू स्टूडेंट हैं वो जवाब जरूर देंगे, बाकी जो यूं ही हैं उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रश्न नंबर 16 देखिए। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो बताइए किस नदी का स्रोत है दोस्तों? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश में है, और ये चंबल नदी जाती है राजस्थान, फिर आती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, और फिर अंततः आके किस में मिल जाती है? यमुना में, ठीक है। तो हम चंबल के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे आने वाले समय में, अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के ऊपर। भारत की लौड़ीय नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी को, ठीक है। और लूनी की विशेषता क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि लैंड लॉन्ग या तो भूमिबद्ध नदी कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शन में आप लूनी को देखेंगे और लूनी ही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। क्योंकि लूनी क्या है, यहाँ पे राजस्थान में अजमेर से निकलती है और ये आके कच्छ में समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये विलुप्त प्राय नदी भी कहा, मतलब इसको कहते हैं, और लुप्त प्राय नदी के नाम से भी जानी जाती है, भूमिबद्ध के नाम से जानी जाती है, और लौड़ीय नदी के नाम से जानी जाती है। इतनी विशेषता है लूनी की, तो इसलिए ये फेमस हो जाती है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए यहाँ पे एक विशेषता जान लीजिए, माही, इसके बारे में अगर प्रश्न बने कि कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, तो दोस्तों माही है, ठीक है। जो कर्क रेखा को, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट अक्षांश पे जो कर्क रेखा है, इसको दो बार काटती है माही, ठीक है। अगर बनास नदी की बात करें दोस्तों, तो बनास नदी राजस्थान से आती है और चंबल में मिल जाती है, और बनास संस्कृत का विकास बनास नदी पे हुआ था। साबरमती नदी दोस्तों गुजरात में देखने को मिलती है। चलिए अब इनके ऊपर भी बात हो गया, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 19। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 भी सेम क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कौन सी नदी भेड़ घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात को निर्माण करती है, ठीक है। तो बताइए भेड़ घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन करती है, आपसे प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों ज्वार नदमुख होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है और ये कटान नहीं कर पाई, तो ये आके ना जब पानी गिराती है कहीं सागर वागर में तो छिछलापन यहाँ पे रहता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे फूल खिला रहता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम इश्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इश्चुरी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जितनी भी इधर पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं वो इश्चुरी बनाती हैं, यानी कि ज्वार नदमुख बनाती हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए राप्ती तो होगा नहीं, ये आपको उत्तर प्रदेश में बहती हुई मिलेगी और ये किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। महानदी आपको उड़ीसा में मिलेगी और ये छत्तीसगढ़ के सिंघवा पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये डेल्टा बना रही है नर्मदा नदी, तो राइट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी। और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से और जाती है हल्का सा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर आके गिर जाती है खंभात की खाड़ी में और यहाँ पर बनाती है क्या? ये ज्वार नदमुख, या तो इश्चुरी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। स्वर्ण रेखा की बात करें दोस्तों तो ये निकलती है झारखंड से, ठीक है, फिर जाती है वेस्ट बंगाल में, फिर आती है उड़ीसा, फिर गिरती है ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो तीन प्रदेश में बहती है स्वर्ण रेखा, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन विशिष्ट रूप से भिन्न हैं? तो तीन नदियाँ हैं, ठीक है, तीनों में एक नदी सबसे भिन्न है आपको वो बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए है नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। तो ये तीनों सिमिलर हैं क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, किधर? पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन दोस्तों नर्मदा इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये किधर से किधर को बहता है, ये यहाँ पे आप देखेंगे इधर से आके इधर को बहता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है, ठीक है, कौन? नर्मदा। इसलिए इसमें सबसे भिन्न है नर्मदा, याद रखेंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इश्चुरी नहीं बनाती? तो दोस्तों हमने बात किया था इधर की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, इधर की नदियाँ इश्चुरी बनाती हैं, ठीक है, यानी कि जो किधर से किधर को बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहती हैं वो इश्चुरी बनाती हैं और जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा। इधर वाली डेल्टा बनाती हैं और इधर वाली इश्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में यही विशेष अंतर है, तो आप बताइए अब। तो दोस्तों नहीं बनाती है पूछ रहा है, तो नर्मदा बनाएगी, तापी भी बनाएगी, मांडवी भी बनाएगी, महानदी क्या बनाएगी? दोस्तों महानदी वेस्ट टू ईस्ट बहती है, यानी उड़ीसा में यहाँ पे देखेंगे यहाँ से निकल के इधर को बहती है, तो ये डेल्टा बनाती है, ईश्वरी नहीं बनाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के ऊपर, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों अब देखिए गंगा बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती है। देखिए ये कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पहाड़ी से महाराष्ट्र में जाती है, गुजरात में जाके ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो इतना बात इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। और ताप्ती क्या बनाएगी? इश्चुरी बनाएगी, न कि डेल्टा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 24 प्रश्न कर लिए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, बाकी और क्या ही करोगे आप, है ना। और ईमानदारी से टेस्ट लगाते रहो और एग्ज़ाम में सफल होइए और सफल होके बताइए आप। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चंबल नदी, और शिप्रा नदी पे ही, ठीक है, शिप्रा नदी पे लगता है क्या? महाकुंभ, ठीक है। क्या लगता है दोस्तों? महाकुंभ, ठीक है। जैसे गंगा पे उत्तर प्रदेश में दो जगह महाकुंभ लगता है, वैसे ही शिप्रा नदी पर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में महाकुंभ लगता है, याद रखेंगे आप। चलिए आज का सेशन दोस्तों यहीं पे कंप्लीट होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपने सीखा है तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिएगा और अब मैं विदा चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें और खूब जोश के साथ अपनी तैयारी करें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।